हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920. सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अब अपना फाइनल रिवीजन किस टाइप से करना है, उसको फाइनल टच कैसे देना है कि आप अपने बोर्ड में अपना 110% दे पाए. तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो है कि लास्ट 2 or 3 ईयर्स से जो भी बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, इवन उसमें जो डिजिट भी यूज हो रहे हैं वो सेम वही हैं जो आपकी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को वन साइड रखें, अभी केवल हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आप अपना 100% लाना चाह रहे हैं, 95% अबव लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने चाहे अभी तक आरएस अग्रवाल की है, आरडी शर्मा की है, कोई भी बुक की है, लेकिन अब आपको फाइनल जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो एनसीईआरटी बुक से करनी है. ठीक है, उसकी सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, पहली चीज. प्लस जो उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, हम क्या करते हैं, जनरली अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज ही ट्राई करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को हम देखते भी नहीं हैं. खासकर जो मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले जितने सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारे ही सॉल्व्ड एग्जांपल उसके प्रिपेयर करें, सॉल्व करके देखें अपने आप. लेकिन अगर कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम जो मिसलिनियस से पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं हर चैप्टर में, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. कुछ क्वेश्चंस तो डिक्टो उसी से आपके पेपर में आते हैं. ठीक है, दो चीजें, पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसके बाद लास्ट ईयर के जो पेपर्स के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, जैसे अरिहंत का है, अब तो एक दो और भी आ गए हैं, उसवाल वगैरह भी हैं चैप्टर वाइज, लेकिन बेटर उसमें सबसे अरिहंत इसलिए है कि अरिहंत में सारे क्वेश्चंस पहले लिखे हैं, उनके सॉल्यूशन बाद में दिए हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जब क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन करने से पहले उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं. जब आपने सॉल्यूशन देख लिया तो वो आपके लिए बहुत इजी है. ठीक है, आप उसको ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन जब एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आप उसको ट्राई करते हैं, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं. उसका रीजन क्या है कि आपने वो खुद से सॉल्व किया ही नहीं है, वो तो बुक के लिए सॉल्व है, आपके लिए सॉल्व थोड़ी है. तो आपने जो चैप्टर वाइज बुक परचेज करनी है, जो भी ली है आपने, उसमें आप बेस्ट बुक माने अरिहंत. वो इसीलिए बेस्ट है कि उसमें सॉल्यूशन साथ में नहीं है. पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आ पा रहा है वो क्वेश्चन, तब आप उसका सॉल्यूशन देखें. उसके बाद भी सॉल्यूशन को देखने के बाद करना आपने खुद से ही है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने उसको खुद से नहीं करके देखा है तो बेटे बोर्ड एग्जाम में वो बिल्कुल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस. तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएं वो आप कर लें. लास्ट डेज आपके पास हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. और लास्ट आपने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जो आपके पास है, दैट इज सैम्पल पेपर्स. लेकिन हमने यहाँ पे सैम्पल पेपर्स अकॉर्डिंग टू टाइम लिखा है, इसका क्या मतलब है? जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो आप कम से कम 1 आवर के लिए बैठें और 1/3 पेपर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 45 मिनट्स. ठीक है, क्योंकि 15 मिनट स्पेयर लेके आपने चलना है अभी से. जनरली होता क्या है कि पेपर आपको आता है लेकिन आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाता है. तो टाइम शॉर्ट होने का यही मतलब है कि आपकी स्पीड उतनी नहीं है जितना टाइम आपके पास है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं. कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 5 मिनट्स तक भी लग जाते हैं, तो वो स्पेयर टाइम आपका यहाँ पर यूटिलाइज होगा. तो आपके 4 पॉइंट्स हैं. 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट, उसके सॉल्व एग्जांपल्स खासकर मिसलिनियस से जो पहले हैं, थर्ड आपने चैप्टर वाइज लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको प्रिपेयर करना है, और उसके बाद सैंपल पेपर. ठीक है, एक दिन में आप अपना एम बनाएं कि कम से कम एक चैप्टर आप जरूर कंप्लीट करेंगे. उस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली अब आप नहीं कर पाएंगे. आपने जो भी अपनी नोटबुक बनाई हो जिसमें आप क्वेश्चन में लगता है कि कहीं पे अटक रहे थे, उस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना है. एक रीडिंग सब क्वेश्चंस की लगानी है, जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है उसको आप रिटर्न में ज़रूर करें और कंप्लीट सॉल्व करें. ठीक है, उससे आपके 2 फायदे होंगे. क्या कि एक तो आपका टाइम कम लगेगा, जब आप उसको 2 बार 3 बार करेंगे तो ऑब्वियसली है नेक्स्ट टाइम आपको टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और जो मिस्टेक्स आपकी होती हैं वो आपकी एग्जाम में नहीं होंगी. ठीक है,
और दूसरा टाइम मैनेजमेंट आप अपना कर पाएंगे। और अब आपके पास इतना टाइम है कि अब आपको एक चैप्टर में कम से कम एक दिन में तो एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि 13 चैप्टर्स आपके हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक दिन में नहीं भी होंगे, तो अब आपने डे के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल आप खुद बनाएंगे आप, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करें, एनसीईआरटी को नंबर वन पे दें। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप हेल्पिंग बुक के भी क्वेश्चंस जो आपने पहले से किए हैं, अगर आपने पहले से आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी हेल्पिंग एबीसी कोई भी अगर आपने नहीं की है, तो ये टाइम अब उन बुक्स को देखने का भी नहीं है। अब आपने नए टाइप से शुरू नहीं करना है, आरडी को नहीं खोलना है। अब इस टाइम में केवल आपने पूरा फोकस, फुल फोकस अपना करना है एनसीईआरटी पर, ठीक है, और उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस जो आपके पास सैंपल पेपर्स आप करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, वो कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो अगेन लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय।